नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कृष्णा। मेरे ऑर्गेनिक गार्डनिंग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, अच्छे अच्छे कार्यों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हमारे यहाँ सुबह से ही बारिश का मौसम बना हुआ है और आप ये देख रहे हैं, पक्षी भी बहुत खुश हैं, चहचहाट खूब हो रही है पक्षियों की। ये पीपल का पेड़ है हमारे यहाँ घर के पीछे ही, इसमें बहुत सारे पक्षियों का रहवास है। तो ये देखिए, मेरा एक ओवरव्यू है गार्डन का। और यहाँ पर मैंने 2-4 दिन पहले ही मिट्टी स्टरलाइज की थी, करने के लिए फैला दी थी, मिट्टी स्टरलाइज करने के लिए फैला दी थी यहाँ सारे में। तो जब आज सवेरे उठी तो देखा मौसम बारिश का है, तो मैंने जल्दी जल्दी आके इस बोरी में इस मिट्टी को भर दिया। और मिट्टी चूँकि सूख गई है अच्छी खासी, तो फिर भी जिसमें बारिश के अगर छींटे लग भी जाएंगे तो ये अच्छा ही है, मिट्टी और अच्छी हो जाएगी, हमारी उर्वरक हो जाएगी। इसमें भी किचन वेस्ट नीचे तैयार हो रहा है और इसमें बारिश का पानी पड़ गया है, तो और सोने पे सुहागा हो गया है। और इसी तरह मैं आजकल अपनी गर्मियों की सब्जियों की तैयारी कर रही हूँ। इस बोरी में भी नीचे किचन वेस्ट भरा हुआ है और इसमें मैंने एक लौकी का और एक खीरे की बेल लगाई है। तो देखिए कब तक होती है। यहाँ पर एक देखिए, ये लौकी लगता है कि लौकी ही हो रही है। तो खीरा मैं हटा दूँगी, मैंने बस सिर्फ बोने के लिए लगा दिया था खीरा, जैसे ही वो उसकी पौधों निकल आएगी तो मैं इसमें सिर्फ एक लौकी रखूँगी। ये देखिए, इसमें मैंने कुछ भिंडी के बीज बोए थे, ये भी पॉलीथीन देखिए काफ़ी बड़ा है। और इसमें भी नीचे किचन वेस्ट मिट्टी मिला के मैंने अपनी पौध तैयार की थी। तो ये एक आलू का इसमें कुछ छिलका रह गया होगा, ये आलू अपने आप से आ गया, इसको मैंने बोया नहीं है। और यहीं पर कहीं पर ये देखिए भिंडी, दो भिंडी लगाई थी मैंने, दो भिंडी जग गई है। तो एक भिंडी इसमें लग जाएगी ऊपर और नीचे आलू इसमें आ जाएंगे, तो एक साथ दो फसलें मेरे को मिलेंगी। पॉट भी बड़ा है, कम से कम 15 इंच का तो है ही पॉट, ये भले संकरा है थोड़ा सा पर चल जाएंगे ये पौधे। और वैसे भी मैं कंपेनियन गार्डनिंग करती हूँ, मुझे पसंद है कंपेनियन गार्डनिंग। ये देखिए कटिंग से लगा गुड़हल अब फ्लावरिंग पे आ गया है, देखिए कितनी इसमें कलियाँ आ रही हैं, कुछ इसने फ्लावर भी प्रोड्यूस कर दिए हैं जो सूख गए हैं, जिनको मैंने हटा दिया है। और कितनी सारी इसमें कलियाँ आ रही हैं, यहाँ पर भी कुछ देखिए और यहाँ पर भी। तो मेरी समर गार्डनिंग धीरे धीरे से चालू है। ये सिंक मेरा ख़राब हो चुका था, इसमें भी मैंने किचन वेस्ट भर के मिट्टी डाल के इसको कुछ सुखा रही थी मैं। और इस पॉलीथीन को भी देखिए, किचन वेस्ट और मिट्टी भर के मैंने एक पॉट तैयार किया है। इसमें भी मैंने कुछ उसके बीज, खरबूजा का बीज मैंने इसमें लगाए हुए हैं और एक आध लौकी। ये देखिए खरबूजे का बीज तो ऊपर ही आ गया, ये देखिए हरा हरा सा। ये इसको फिर नीचे कर दूँ, इसमें फिर पानी डालना पड़ेगा, वैसे तो बरसात हो ही रही और इस साइड में भी नमी है ही, तो ये लग ही जाएगा। और इसको मैंने इसमें इसलिए रखा हुआ है कि इसमें नीचे ड्रेनेज सिस्टम बना रखा है मैंने, छेद कर रखे, तो इसका जो भी लिक्विड निकलेगा वो इस मिट्टी में सोख रहा है, तो मिट्टी पूरी तरह से उपजाऊ रहेगी, कोई भी चीज़ नुकसान नहीं, मतलब वेस्ट नहीं जा रहा है। इसका जो रसकस जो भी निकल रहा है इस मिट्टी में एब्जॉर्व हो रहा है। और इसके बाद मैं इसको हटा दूँगी साइड में और इसमें फिर मिट्टी भर के थोड़ा किचन वेस्ट और डालूँगी इसमें, और इसके बाद मैं इसमें कुछ अपनी फसल लगाऊँगी। इसमें भी देखिए मैंने लगाए तो हैं, मैंने इसमें खीरे और तुरई के बीज लगाए हैं, तो देखिए पता नहीं क्या निकल रहा है, अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। और ये टमाटर है, ये आलू है, पता नहीं कुछ। और अब बौछारें फिर से आने शुरू हो गई हैं, बथुआ तो देखिए जाता हुआ बथुआ अपने आप से हो गया। और ये कनेर का पौधा मेरा बीज से लगा हुआ है, काफ़ी अच्छा बड़ा हो गया है। यहीं पर मेरा ये नीम है, यहाँ पर ये भी कनेर है पिंक कलर का, और ये केले का छिलका भी बहुत अच्छा चल रहा है। टमाटर के पौध तो दोस्तों मुझे इतनी सारी मिल रही हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि किचन वेस्ट से भरने पर मुझे टमाटर फ्री में पौध काफ़ी मिल रही है। क्योंकि ये पेड़ कब इतना बड़ा हो गया नहीं पता चला, उसको थोड़ी मैं काट छाट करूँगी, कल मैंने इसमें खाद वाद अच्छे से दिया है।
देखिए यहाँ भी टमाटर मेरे को मिल रहे हैं, इसमें एक ये जामुन लग गया है, और इसमें ये काहे का पौधा हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, बस इसमें टमाटर अच्छा चल रहा है। ये मैंने एक दो कटिंग लगाई थी गुलाब की, तो अब देखना ये है कि चलती हैं या नहीं। इसमें मैंने कुछ भिंडी लगाई है, तो धीरे धीरे अब निकलना स्टार्ट होंगी, कई जगह तो निकल चुकी हैं। यहाँ पर भी देखिए कितने टमाटर आ रहे हैं, इनको अलग अलग लगा दूँगी। अगर पॉट, ये पॉट मैंने खाली किया था तो सब सूख के ठीक हो गए। अब तो बारिश भी हो रही है, तो सब फिर से बारिश शुरू होने लग गई है, तो कैमरे में भी बहुत सारी बौछारें आने लग गई हैं। जिसके नीचे ज़मीन भी गीली होती जा रही है। ये टमाटर देखिए अपने आप से हुआ और इतना फ्लावरिंग पे आ गया है, कितना सुंदर, कितना हेल्दी लग रहा है। यहाँ भी ढेर सारे टमाटर, टमाटरों की तो बौछार लग गई है। ये देखिए कितने इसमें चल पाएंगे कितने नहीं पता नहीं। कल मैंने कुछ सफाई की थी, ये पोर्शन रह गया है, तो ये सब मैं अपने पॉट में भर दूँगी। यहाँ पर मैंने एक फूल का पौधा बीज से लगाया है, तो ये भी निकल रहे हैं। जैसे ही मतलब सीज़न वसंत ऋतु का आया है, तो सब पौधे हरियाने लग गए हैं। देखिए टर्टल वाइन, ये मल्च का भी काम करेगी गर्मी में। एक टमाटर ये दोस्तों, अब बारिश फिर से शुरू हो गई है, तो मैं चाहूँगी कि अब वीडियो को बंद करें। तो ये मैं अपनी एक बड़ी प्यारी को दिखा दे रही हूँ। यहाँ पर ये देखिए कटिंग से लगा अनार है मेरा, और ये नींबू का बीज पड़ गया था, ये इतना ऊँचा हो रहा है। और देखती हूँ मैं अगर इसमें कुछ फल वल आते हैं, नहीं तो मैं फिर हटा दूँगी इसको, क्योंकि बहुत हाथ में लगता है कभी कभी। और एक नींबू का ये भी है, तो ये अपने आप से हो गए हैं, तो मैंने इसको शिफ्ट किया था बड़े पॉट में। कुछ यहाँ पर मैं उगाई हैं, मैंने यहाँ पर बीज डाले हैं इस रस भरी के, तो इसके भी कुछ पौधे निकलेंगे। ये देखिए ये रखे हुए हैं, और इसको मैं कहीं बोने के लिए लाई थी ऊपर, अभी मैं डाल नहीं पाई हूँ। और ये मौसम कल से ठंडा बहुत हो गया। यहाँ देखिए टमाटर हो रहे हैं, ये एक देखिए ये है स्वीट पोटैटो, इसकी बेल इसमें मैंने दबा दिए हैं इसको, और इसमें भी दबा दिया है कि इसके अंदर से स्वीट पोटैटो हो जाएंगे, और नीचे पूरा किचन वेस्ट बना हुआ है। और ये मैंने क्या बोया है मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो काफ़ी निकल रहा है। देखिए लास्ट ईयर पुदीना मैंने बोया था, और अब पुदीना फिर से हरियाने लग गया है। इसी में टमाटर अपने आप से फिर से निकल गए हैं। ये देखिए टमाटर तो अपना ज़बरदस्ती का उसने वो अधिकार जमा रखा है मेरे गार्डन में। यहाँ एक कटिंग चल रही है गुलाब की, और बहुत अच्छी चल रही, तो मैं इसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी। इसी गुलाब से मैंने कटिंग ली थी। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे मेरा मनोबल बना रहे और मैं अच्छे अच्छे वीडियोस आपको देती रहूं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे दोस्तों।